हमने जो बुलाई है, आप लोगों का जो कीमती समय लिया है वो इसलिए लिया है कि कल चौधरी छोटू राम जी की बहुत बढ़िया हमने जयंती मनाई, बहुत भव्य जयंती मनाई, बहुत भव्य गैदरिंग हुई। हमारे सभा के बहुत सदस्य आए और आसपास से हमारे सम्मानित किसान व कमेरे वर्ग से सम्मानित लोगों ने, गणमान्य लोगों ने भाग लिया। हम तहे दिल से उन सब के आभारी हैं। के हमारे मसीहा की जो किसान और मजदूर के कमेरे वर्ग के मसीहा थे, हम उनको भगवान की तरह जीने मानते हैं, उनकी जयंती पर सब लोगों ने इतना उत्साह दिखाया और बड़े हर्षोल्लास से जयंती मनाई गई। और हम हमारी आदरणीय मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी के भी, जो हरियाणा सरकार में बाल एवं विकास महिला मंत्री हैं, उनके और हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण मेड्डा जी के और हमारे वाइस चांसलर CRSU से जो आए थे विद्वान डॉक्टर, उनके, इन्होंने अपना कीमती समय दिया, उनके भी तहे दिल से आभारी हैं। ये आज हम एक बात चाहते हैं कि हमारे को मैडम जी ने भी कह दिया और मिड्डा जी ने भी कह दिया, हम उनके तहे दिल से आभारी के बाद ये कहना चाहते हैं कि हमारे छोटू राम जी की, आदरणीय छोटू राम जी की जो स्थान तो निश्चित कर दिया गया, वे SP कोठी के सामने है। और हमने विधायक जी को भी कहा है और ऑनरेबल मैडम को भी कि ग्रीन बेल्ट के साथ जो गुहाना रोड से लेफ्ट को सफेद रोड में जो रोड जाता है, इसके ऊपर वो बनाई जाए। हम ये मांग करते हैं सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से, इनसे, कि हमारे को भव्य मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 200-250 गज जगह वहाँ सुनिश्चित करें, डिमार्केशन करवाएं, जो कि गुहाना रोड से करोब में जाते हुए बाईपास पर जाए, 500 फुट उधर तक, 500 फुट इधर तक सीढ़ियों का निर्माण करके चकोर वहाँ ऊपर चौधरी छोटू राम जी का, रैबरे आजम का मूर्ति की स्थापना की जाए, जो भव्य हो। जो पैसा सरकार देगी उसके तहे दिल से आभारी, जितना फंड हमारे को सरकार ने अलॉट किया है उसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। बाकी पैसा जाट धर्मार्थ सभा देने को तैयार है, हम देंगे और हमारा सहयोग उसमें भी काम नहीं चलेगा, हमने पता है कि क्योंकि भव्य मूर्ति में बहुत खर्चा होगा और हम उसके अंदर हमारे पूरे समाज से, किसान और कमेरे वर्ग से चंदा इकट्ठा करेंगे। और इसमें ऐसे व्यापारी बहुत है जो छोटू राम जी की इज्जत करते हैं, कोई व्यापारी भाई भी देगा तो उस पर भी लेंगे। छोटू राम जी सबके थे, 36 बिरादरी के, जो भी 36 बिरादरी में इसमें सहयोग देगा, सभी के सहयोग से चौधरी छोटू राम जी की भव्य मूर्ति का निर्माण किया जाना चाहिए, हमारी ये पुरजोर मांग है। और हमारी इस मांग को कृपा मुख्यमंत्री जी भी और यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब, विधायक जी, DMC, ये सभी इसमें हमारा सहयोग कर, हम इनके तहे दिल से आभारी होंगे। छोटू राम विचार मंच की तरफ से जैसे जिले के प्रधान हैं जसवीर कुंडू जी एडवोकेट, ये भी कह रहे हैं और तो हिसाब से भी हम बात करेंगे, तो छोटू राम विचार मंच भी मदद करेगा, सभी लोग मदद को तैयार है, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम सब मिलकर के भव्य निर्माण करेंगे। हमें कम से कम उसको 20 फुट के बाद तो लगावांगे।
जमीन से 20 फुट ऊंची तो लावांगे 10-12-15 फुट की मूर्ति बनाओगे, हम तो 35-40 फुट की ऊंचाई ले जावांगे। एम कमलेश जी ने 11 लाख रुपए दिए अपने कोष से और मंत्रालय के उससे जो कोष होता है, और मिड्डा जी ने ये कहा कि भाई डी प्लान के तहत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे वो पैसा देने की कोशिश करवाऊँगा। 5 लाख वो पहले बोल गए हैं, इसमें भी 5 या 10 जो मिड्डा जी देंगे वो दे देंगे। मैडम भी उनको बोलेगी डी साहब को, बाकी हमारी धर्मशाला बना देंगे, हमारा सोलर पावर प्लांट जो ये जनरेशन का सोलर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के सोलर प्लांट जितनी जल्दी हो वो करवा रहे हैं, ये आश्वासन दे गए हैं, हम इनके लिए इनके आभारी हैं, ये जल्दी से जल्दी बनवा देंगे, तो हम तो इनका अलग से एक एक घंटे का और बांध देंगे।